पर एक साथ जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। लेकिन ये बात आप भी समझोगे। शुरू करो। नमस्कार सर, आज मैं यहाँ आया हूँ मेरे क्लाइंट साउथ अफ्रीका के लिए। इन पर आरोप लगता है कि ये चोकर हैं, जबकि हैं जोकर, सॉरी चुप कर बे कुत्ते। इन पर आरोप लगता है कि ये चोकर हैं, पर मैं मानता हूँ ये साजिश है, क्योंकि इन पर चोक करने का दबाव बनाया जाता है। साउथ अफ्रीका के कैप्टन बबूमा जी को ही ले लीजिए, इनके ऊपर इंटरनेट पर मीम्स बनाए जाते हैं, इनको हर मैच में इनकी परफॉर्मेंस के लिए ट्रोल किया जाता है। पर क्या परफॉर्मेंस ही सब कुछ है? इंसानियत नहीं है? इंसानियत कुछ नहीं होती? मुझे आपसे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दीजिए। एक मिनट, ये क्या मतलब हुआ? ऐसे उठा के फिकवा दो, ऐसे नहीं चलेगा, मैं चल के जाऊंगा। निकल, पहली फुर्सत में निकल। भैया 4 घंटे ज्यादा क्या सो लिया? उठ के पता चला कि साउथ अफ्रीका की जगह पाकिस्तान क्वालिफाई कर गई, और वो भी सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ। इतने पॉइंट्स में क्या होता है आजकल? पिछले 6 महीने से रियल क्रिकेट में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड अनलॉक करने का ट्राई कर रहा हूँ, और अब भी वो मेरे पॉइंट्स कम बता रहा है। भाई ये 100 के क्वालिफाई करने वाला रूल अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पिछला पूरा वर्ल्ड कप 100 के निकालता, और वो वर्ल्ड कप आता अंबानी जी के प्राइवेट जेट में बैठ के सीधा इंडिया। हम कहीं पिछले जन्म के रिश्तेदार तो नहीं? कुंभ मेले में बिछड़े हुए भाई तो नहीं? कमाल है यार, मेरी मुंह की बात छीन ली आपने, मैं भी यही सोच रहा था। और वहीं देख लो लॉर्ड बबूमा जी, जो वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने ये वाला पोज मारा था ना, इसे देख के ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड बबूमा जी ही अंत करेंगे साउथ अफ्रीका की चोकिंग की आदतों को। टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना। और जैसी हमें उम्मीद थी लॉर्ड बबूमा जी ने किया, बिल्कुल अंत किया अपने T20 करियर और साउथ अफ्रीका के T20 वर्ल्ड कप जीतने के सपने का। मैंने पहले ही बोला था ये फटाका फटेगा नहीं फूटेगा, लेकिन ये बोल रहा था करेगा ले कर दिया। भाई क्रिकेट मैच में आपने बैट तो टूटते हुए देखे होंगे, पर भूई भाई के आज कुछ अलग ही इरादे थे। वो इतनी जोर जोर से जिम्बाब्वे बैट्समैनों के पैड पे बॉल मार रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था आज बैट की जगह पैड टूटते हुए दिखेंगे। मैं नहीं मानता। और जैसे बीन सुन के नाग पागल हो जाते हैं, कुछ वैसा ही हुआ अश्विन अन्ना के साथ। कानों में ऋषभ पंत की कमो नैश सुन के अश्विन अन्ना को अपनी खोई हुई शक्तियां याद आ गई, तो उन्होंने लपेट दिए जिम्बाब्वे के 3 लौंडे। भाई इंडिया जरूर क्वालिफाई कर गया हो, पर हमारे लिए तो ये फाइनल था, क्योंकि अगर ये मैच इंडिया हार जाता तो सेमीफाइनल खेलता न्यूजीलैंड से, और फिर हम 4 दिन तक सोचते रहते कि न्यूजीलैंड हमें चेज करके हराएगा या डिफेंड करके। जी वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जी खुदा मेहरबान तो गधा, जी वही वाली। सलाम अलैकुम चैनल जी। कराची एयरपोर्ट में इंतजार कर रहा था कि कब पाकिस्तान टीम आए और कब मैं इनका कराची में लाहौर बनाऊं, पर जी खुदा की मेहरबानी है पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जी खुदा की रहमत है, जो जलालत आजम ने पूरे वर्ल्ड कप में खेल दिखाया है वो इस मैच में जल्दी आउट हो गए, वरना हमारी हार गारंटी थी। जी पाकिस्तान की जीत पे मैं इंग्लिश में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जतीन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। इंडिया का 10 तारीख को इंग्लैंड से मैच है, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सूर्य कुमार यादव की जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी थी उससे बेहतर पारी न कोई है न कोई हो सकती है। सूर्य कुमार यादव जिंदाबाद। मुझे पता है कि इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी, पर इस बात से ये बात बिल्कुल चेंज नहीं होती कि सूर्य कुमार यादव की साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई इनिंग्स जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। ऑस्ट्रेलिया 7 पॉइंट के साथ 6 पॉइंट वाली पाकिस्तान को क्वालिफाई करता देखते हुए, ये 6 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं और हम पिछली बार 6 पॉइंट होने की वजह से बाहर हो गए थे। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। भाई ये लोग बड़ी बकसोदी कर रहे हैं 2011 और 1992 वाली, चल इनको 2019 रिपीट करके देते हैं। भाई अगर 2019 रिपीट हो गया ना तो खुदा ही बचाए इस वर्ल्ड कप को, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में सिर्फ फाइनल में ही चीटिंग के आरोप लगे थे। इस वर्ल्ड कप का तो हर मैच 2019 का फाइनल हुआ हुआ है। शर्म करो, भगवान से डरो। अगर चोकिंग एक स्पोर्ट है तो साउथ अफ्रीका कैप्टन, अगर चोकिंग एक स्पोर्ट है ना तो इंडिया वहाँ भी हार जाएगी, क्योंकि वहाँ उसका कॉम्पिटिशन होगा सीधा साउथ अफ्रीका से। यार हम एक काम करते, हम सीधे इंडिया भाग जाते हैं। जाएंगे कैसे? पासपोर्ट किसके पास है? पासपोर्ट तो पुलिस के पास है। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक रेट 244। भाईजान इतने स्ट्राइक रेट से तो हम सपने में भी नहीं खेल सकते। अरे अफवाहें हैं ये, झूठ फैलाना बंद करो। किसने कह दिया नहीं खेल सकते? सेम ही तो है, बाबर और रिजवान का मिला के, बस दोनों का मिला के 20 ही तो कम है सूर्या से। ये भगवान क्या जुलुम है। नेदरलैंड्स पाकिस्तान टीम, तुम बहुत मस्त काम करता है नेदरलैंड्स टीम।
और अगर यही नेदरलैंड्स टीम मस्त काम करने का पैसा मांग ले तब देखना कैसे हवा निकलेगी सारे मस्त की। साउथ अफ्रीका के बाहर होने के बाद टैम्पा बे बूमर टीम मीटिंग में। टैम्पा भाई पहले 5 अपने मारो, क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंस आई है ना इस वर्ल्ड कप में उसके सामने चोकिंग तो बहाना सा लग रहा है। चुप कर बे कुत्ते। इंडिया और पाकिस्तान मेलबर्न में खेल सकते हैं फाइनल। विराट कोहली, रोहित शर्मा। रोहित भाई आप टेंशन मत लो, मैंने प्लान सोच लिया है पहले ही। आप टेंशन मत लो, हम हार का जिम्मा केएल राहुल पे लगा देंगे ट्विटर पे ट्रेंड चलवा के। अच्छा बात नहीं है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड नहीं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होगा सेमीफाइनल। इंडियन क्रिकेट टीम फैंस फाइनली इनर पीस। बस मैं अवार्ड नास्तिक ले रहा, मेरा भगवान पे भरोसा फिर से आ चुका है। तू जाना यार, तू जा यार प्लीज। वीडियो गेम के इजी मोड वाली क्रिकेट रियलिटी में खेलने का घमंड है। बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो सूर्य भाई, जो बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे। दोस्तों मुझे मेरे बाप से बचाओ यार। That's it। और टेलीग्राम पे क्यों नहीं आ रहे तुम लोग भाई, कब आओगे? हद कर दी तुमने तो। गौतम गंभीर की डबिंग भी सबसे पहले टेलीग्राम वालों ने ही देखी थी और सारी अनाउंसमेंट वहीं हो रही हैं। भाई थक गया यार मैं तो, मोहब्बत ऐसे नहीं चलती। साकिब भाई फिर से बताए, मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती।